Today I'm going to teach you newspaper vocabulary. This is the part 10. Hope so. You must have watched the 9 parts of this vocabulary yet. If you have not watched, please visit to my channel English for Beginners and watch those videos, because I have defined those words which are mostly appeared in the newspaper in these days. In this video, I'm going to teach you 10 words with examples. The first one is enable. Samarth banona ya yog banona. Samarth banona ya yog banona means kiya. एबल या कैपेबल बनाना किसी काम लिए टू डू समथिंग. अजकल इंग्लिश लैंग्वेज ही सानू कोई भी जॉब दिवाने योग बनाती है. मीनस कि अजकल इंग्लिश लैंग्वेज की आ ट्रेंड में मैं कह रही हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो सानू एबल बनाती है कोई भी जॉब नू गेन करने लिए. नाउअडेज ओनली इंग्लिश लैंग्वेज एनेबल्स अस टू गैट एनी जॉब. नैक्सट वन इज डेडिकेशन. समर्पण या निष्ठा. समर्पण या निष्ठा का मीनस की है दृढ़ इरादा. मीनस कोई भी काम करने का कुछ सीखने लिए समर्पण या निष्ठा जरूरी है. मीनस कि सानू समर्पण जरूरी है, वो वाल पूरी कॉन्सनट्रेशन जरूरी है, वो दृढ़ इरादा जरूरी है. इट मीनस डेडिकेशन. डेडिकेशन इज अ मस्ट टू लर्न समथिंग. प्राइड. गर्व करना या मान करना. गर्व करना या मान करना का मीनस की हो गया प्राउड फील करना या डिग्निटी. असी अपने भारत देश से माण करते हाँ. वी प्राइड ऑन अवर इंडिया कंट्री. नैक्सट वन इज ऑब्जेक्टिव. उद्देश या लक्ष्य. उद्देश या लक्ष्य का मीनस की है परपस या एम. उसकी जिंदगी का उद्देश्य फ्लूएंट इंग्लिश बोलना है. हिज लाइफ ऑब्जेक्टिव इज टू स्पीक फ्लूएंट इंग्लिश. नैक्सट वन इज सर्टेन. कुछ. कुछ मीनस सम. इस काम को पूरा करने मेरे को कुछ तरीके हैं. आई हैव अ सर्टेन वेज टू अकम्पलिश दिस वर्क. नैक्सट वन इज करिकलम. करिकलम का मीनस होंगे सिलेबस. पाठक्रम मीनस सिलेबस अपना होर वर्ड की बोल सकते हैं. करिकुलम. करिकुलम द मीनस सिलेबस. पाठक्रम. हर क्लास विच पढ़ाई शुरू करने तो पहला सिलेबस तैयार किया जाता है. मीनस की है कोई भी काम स्टार्ट करने तो पहला वा स्टार्ट विच स्टार्टिंग दे विच की करते हैं सिलेबस प्रिपेयर करते हैं. इंस्टेड ऑफ सिलेबस वर्ड यू कैन यूज न्यू वर्ड करिकुलम. करिकुलम इज प्रिपेयर्ड बिफोर बिगनिंग स्टडीज फॉर एवरी क्लास. नैक्सट वन इज फ्रेम. ढांचा मीनस स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर अपा की बोलते स्ट्रक्चर का मीनस क्या कोई भी चीज़ का ढांचा. इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर वर्ड यू कैन यूज वर्ड फ्रेम. सानू किसी भी काम समझने ढांचा बनाना चाहिए मीनस कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए. वी शुड मेक अ फ्रेम टू अंडरस्टैंड एनी वर्क. एट वर्ड इज प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब का मीनस सलाह देना या नुस्खा लिखना. मीनस डॉक्टर्स अपन रिटन जो भी स्लिप बना के देंगे अपन कोई नुस्खा लिख के देंगे कोई मेडिसन लिख के देंगे उन्होंने की बोलते प्रिस्क्राइब मीनस वो जी सलाह देंगे. डॉक्टर महिंदर ने उसको माइग्रेशन की बीमारी लिए कुछ दवाइया लैन की सलाह दी. मीनस कि उन्होंने सुजैसट किया कि तुम ये वाली या नुस्खा लिख के दिता भी तुम माइग्रेशन ये वाली बीमारियाँ सॉरी ये मीनस मेडिसन लो. डॉक्टर महिंदर प्रिस्क्राइब हिम टू टेक सम मेडिसन फॉर माइग्रेशन डिसीज. नैक्सट वन इज ग्रास्प. समझना मीनस अंडरस्टैंड. तुहानू सिचुएशन समझने की कोशिश करनी चाहिए. यू शुड ट्राई टू ग्रास्प द सिचुएशंस. द लास्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट इज रिटेन. रोकना. मैं थोड़े कह के अपने आप में उत्थे रोकया. आई रिटेन्ड माई सेल्फ देयर एट द इंस्टेंस ऑफ यू. एट द इंस्टेंस ऑफ इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विच इज यूज इन द न्यूज़पेपर. आई हैव ऑलरेडी शूट द वीडियो द यूज ऑफ एट द इंस्टेंस ऑफ और ऑन द इंस्टेंस ऑफ एज वेल एज एट द बिहेस्ट ऑफ. I will give a link in the description box if you want to learn the use of this grammatical structure. Thanks for watching my video. Please subscribe and share my channel with your friends and family. Thanks.